अब यहाँ हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढनी है और जो एक्सप्रेशन दिया है वो है टू रेस टू टू थाउजेंड वन प्लस टू रेस टू वन नाइन 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 डिवाइडेड बाय टू रेस टू टू थाउजेंड माइनस टू रेस टू वन नाइन नाइन एट तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे लोएस्ट पावर जो है वो है 1998 तो ये सब बाकी के तीन टर्म्स को हम 1998 में कन्वर्ट कर देंगे देखिए सो दिस कुड़ बी रिटर्न एज टू रेज टू वन नाइन नाइन एट इन टू अब अगर इन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो डिफरेंस इज थ्री so 2001 minus 1998 so that becomes three right थ्री राइट या फिर अगर हम एड करें यू हैव टू थाउजेंड इसे भी हम ऐसे लिखते हैं टू रेज टू नाइनटीन नाइनटी एट यहां नाइन्टीन नाइनटी तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे टू रेज टू वन के साथ डिवाइडेड बाय डिनेटर में 2000 को हम स्प्लिट करेंगे एस 1998 इनटू 2 टू रेस टू टू माइनस टू रेस टू 1998 अब टू रेस टू 1998 ये कॉमन फैक्टर ले लेते हैं न्यूमरेटर में से तो ब्रैकेट में यहां पे आएगा टू क्यूब प्लस ये तो कॉमन ले लिया एंड टू रेस टू वन सो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हम 2 to 90, 98, ये common factor लेते हैं तो यहां आ जाएगा टू माइनस और ये कॉमन फैक्टर लेने पर रह जाता है वन तो ये दो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं अब टू क्यूब होता है एट प्लस टू एंड टू स्क्वाज़ फोर एंड माइनस वन तो एट प्लस टू होता है टेन एंड फोर माइनस वन इज़ थ्री तो हमारा फाइनल आंसर आता है टेन अपॉन थ्री विच इज ऑप्शन बी